गैप बना था धीरे 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 जब मैं उनके सामने की बात बात पूछा तो कहा जाता है कि हमारे बाप भक्त हैं तो कौन उनकी यात्रा में तो मालूम करता है। उसी तरह से हमारे जिंदगी में मैं खासकर अपने बच्चों से बताना चाहूंगा, आप लोग ध्यान से सुनना। उसी समय मेरी जिंदगी में मेरी लाइफ में एक ऐसी रोल आ रही है कि मुझे जान रहा है कैसे आता है मेरा नाम है
But the king has not having a confidence. He's not having a आज हमारे बच्चे ये माइक जिससे मैं जिसके माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये माइक पर कर रहे हैं हमारे बच्चे बातें करते हैं स्पीच देते हैं प्रोग्राम करते हैं उन्हें जो भी करना होता है वो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंसली आप कर सकते हैं और ये मेरे लिए मैं अभिभावकों के लिए भी करूंगा ये मेरे लिए बहुत बेहतर होगा जो सोच करते हैं हमारे स्कूल का उसके लिए मैं धन्यवाद और अपने शिक्षकों का भी मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बच्चों का डेवलप करते हैं उनको अनुशासन सिखाते हैं और उनको छोटे छोटे इंसान से उनको शिक्षा देते हैं अपने बारे में आप लोगों को बताने अब मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा जितने भी टीचर्स हैं जो इन्वॉल्व है जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं प्लीज अच्छे से इस पेज को मेंटेन कीजिएगा मैं यूजीसी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि दिस इज समथिंग प्रेस्टीजियस ये थोड़ा सा ऐसा माहौल होता है जिसमें जी हम लोग गलतियां करें तो सुबह नहीं देती है तो आप अपना इंस्ट्रूमेंट्स को मेंटेन करें हालांकि वो भी मशीन है उसमें हम भी जाना नहीं बोल सकते हैं लेकिन आप लोग से एक और की मनोरोध होगा कि किसी भी तरह से अगर कोई त्रुटि होती है किसी भी पार्ट से शिक्षकों से हमारे बच्चों से तो आप उन्हें क्षमा कीजिएगा थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच आप सुन रहे थे संत जोसेफ गवर्नमेंट स्कूल के निदेशक श्री एम के तिवारी सर को जिन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से अपने 3 वर्षों के सफल कार्यकाल की कुछ झलकियां हमारे सामने रखी और जिस तेज गति से आप शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के विकास के क्षेत्र में प्रयासरत हैं वो दिन दूर नहीं जब आपका स्कूल इस पूरे जिले में सर्वश्रेष्ठ स्कूल के रूप में जाना और पहचाना जाएगा हम सब पहले से काफी लेट हो चुके हैं शालिनी जी तो अब मैं और आप अपनी बातें कम से कम करेंगे और बच्चों को मौका देंगे कि स्टेज पर आकर के वो अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगली टीम को आप प्लीज मंच पर बुला लें बिल्कुल अगली टीम को हम बुलाते हैं मंच पर लेकिन अमित एक बात उन्होंने बार बार जो कहा कि मैं माफी चाहता हूँ माफी मांगने की कोई बात नहीं होगी हम कितनी भी तैयारियां कर लें थोड़ी बहुत हमारे अंदर जो कमियां हैं वो रह जाती हैं वो कमियां इसलिए रह जाती हैं अगर हमारे जीवन में कुछ न कुछ कमी ना फिर अगले साल आप इस कार्यक्रम को कैसे लेके जाएंगे ये जो जो त्रुटियां जो हुई इसके लिए आप माफी न मांगे और हमारे बच्चे मन के सच्चे होते हैं बच्चों के लिए बच्चों ने काफी इंतजार किया है और आपका साथ दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी स्कूल को इसके साथ अमित हम बुला लेते हैं ले जा मतलब कार्यक्रम लेके ना जा ले जा डांस के लिए आलिया भट्ट मंच पे लाने वाले हैं फटाफट आप आ जाए इसके साथ एक करप्शन भाषण जो होगा मुकेश आप तैयार रहेंगे इसी के साथ हवा हवाई मुस्कान और परेड मैं 2-3 बता दे रही हूँ ताकि लेट ना हो सबसे पहले सफेद परिधान में परियों का ये ग्रुप आलिया नेतृत्व में ले जा रहे के बोल पर एक आकर्षक प्रस्तुति डांस ग्रुप में आप लिखेंगे इसके बाद करप्शन फिर भाषण देंगे मुस्कान उसके बाद फिर हवा हवाई की दुनिया में चलेंगे लेकिन उससे पहले आप आनंद ले जा रहे सॉन्ग
बहुत अच्छी प्रस्तुति है। छोटी छोटी परियां जो आई थी एक व्हाइट कलर में। अमित जी, हम बस दो पल के लिए लगता है कि हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लेकिन इनकी मेहनत रंग लाती है। इतना सजना सवरना और एक साथ ड्रेस को कॉस्ट्यूम को अपने परिधान में रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसी के साथ इनके इनके कोरियोग्राफर जो है उनके लिए भी बहुत जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि वो लोग जो इनके कोरियोग्राफर है वो बहुत मेहनत किए हैं इस कार्यक्रम के लिए। बिल्कुल, मुझे तो लगा बॉलीवुड से आलिया यहाँ चली आई है विश्राम को, मुझे ऐसा लग रहा था आलिया भट्ट को देख रहा हूँ। चलिए, हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, पत्रकार मित्र हैं, भाई हैं, वो हमसे विदा लेना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उनका बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम रहता है। बहुत सारे कार्यक्रमों के छायांकन और समाचार संकलन के लिए वो जाते हैं। मैं चाहूंगा कि उन्हें विदा करने से पहले, जो हमारी परंपरा भी रही है कि हम उन्हें सम्मानित करें, मैं अपने सारे पत्रकार बंधुओं से आग्रह करूंगा कि आप कृपया मंच पे आ जाएं। और मैं एनके तिवारी सर, निदेशक संत जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, से आग्रह करूंगा कि आप कृपया अपने हाथों से उन्हें सम्मानित करें। सारे पत्रकार जितने भी हैं, कृपया मंच पे आ जाएं। और इसके लिए मैं श्री नागेंद्र शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हिंदुस्तान, आपको आमंत्रित करूंगा। श्री ब्रजेश दुबे जी, प्रभात खबर, और उनके सहयोगी कौशल जी को आमंत्रित करूंगा। रघुवीर पांडे जी, दैनिक जागरण के लिए आप हैं, आपको आमंत्रित करूंगा। शशि तिवारी जी, कैपिटल न्यूज की तरफ से हैं, आप मंच पे आ जाएं। खबर मंत्र से महेंद्र जी, जो शायद सहपाठी भी रहे हैं एनके तिवारी जी के, जैसा कि आप बता रहे थे, आप मौजूद हमारे साथ मंच पे, और ये इस खूबसूरत लम्हे को कैद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि पत्रकार अक्सर फोटोग्राफी करते हैं, खूबसूरत लम्हों को कैद करते हैं, टाइम भी देखते हैं, और पेन जो उनकी बहुत बड़ी ताकत है हम सभी के लिए है, हमारी कलम जो होती है। लेकिन इसमें हम कहीं भी जाते हैं और पत्रकार के यहाँ तक बात करते हैं, सम्मान छुपाया बड़ा नहीं होता है, देने वाले की भावना, उनकी श्रद्धा देखी जाती है, और घड़ी से बेहतर तोहफा और क्या हो सकता है। घड़ी जो न सिर्फ समय बताती है, बल्कि टिक 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 करके एक बहुत अच्छा संदेश भी हमें देती है। श्री नागेंद्र शर्मा जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हिंदुस्तान के, ये मेरे, मैं इनका पड़ोसी रह चुका हूँ, ये मेरे पड़ोसी से नहीं बोलूँगा, वर्षों तक मैं इनके साथ ही रहा हूँ, आसपास ही हमारा घर हुआ करता था, फिर उन्होंने अपना घर बना लिया और ये चले गए दूसरी तरफ, तो वर्षों से जान पहचान है, चाचा है मेरे, बहुत अच्छी लेखनी है, बड़ी ही धार है इनकी लेखनी में, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ उनसे, जब मैं रांची एक्सप्रेस के लिए लिखा करता था, बहुत शुरू शुरू में इनसे बहुत कुछ सीखा है हम लोगों ने, लिखने की कला, समाचार को संकलित कैसे करते हैं, इसकी कला। आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र, और हम उम्मीद करेंगे कि आपका सहयोग हमेशा ऐसे परिवर्तन में सहयोग मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, तालियों से स्वागत है। ठंडे पड़ गए हैं सर, चाय पिलवाया जाए इनको, गर्मी आई है, चाय सरबत जूस कॉफी सब मिलेगा, हेल्प प्रेफरेंस। अमित, आपने चाय कॉफी सरबत की बात की, तो जो नजदीक से आए, जिनका बहुत इंतजार हम लोगों ने किया, वो लोग सब नाश्ता वगैरह करके पूरे डट के आए, लेकिन हम अमित बहुत सुबह से घर से चल गए,
तो आपने नाश्ता मंगवाया था? नहीं बिल्कुल नहीं, नाश्ते की बात नहीं होती, इतने खूबसूरत कार्यक्रम यहाँ पे हो रहे हैं उससे हमारा पेट तो भर ही रहा है, लेकिन हाँ हम भोजन के बिना भी नहीं रह सकते, लेकिन उसकी बारी आएगी पीछे, उसके पहले हम बुलाते हैं कान मुस्कान आप मंच पर आ जाए, हम ये नहीं बताएंगे कि आप क्या करने वाले हैं, आप अपने शब्दों के माध्यम से जो बातें बोलेंगे खुद ब खुद लोग समझ जाएंगे, हर चीज बताने की जरूरत नहीं होती, कला का प्रदर्शन हम जब करते हैं तो लोग समझते हैं। Distinguished our chief guests, all the principals, teachers, parents, and the lovely, lovely siblings, a very happy morning to all of you. I am Muskan Kumari, of first standard 6. I want to deliver the speech about Krabsan. Krabsan has been spread like a digital over the India and the world. It has become one of the most speedily increasing social issues in Indian society. It is generally intimated and promoted by the opportunistic leader. They know nothing about the nation's benefit to lot of damage to the nation through their Krabsan event for their small advantage. They sell the country but it is in the wrong hand and is leader. Believing about India and the people's mind living in other countries, it has become one of the most speedily increasing social issues in Indian society. Corruption is everywhere in every department, whether it be a hospital, it is a education, job, government office, or private sector office. Corruption is everywhere in every department, whether it be a hospital, education, job, government office, or private sector office. Money is strong way and everyone is helpful of money around the official politician, many on the one and all to be done, but totally managed paid for getting wrong and was not earlier. The money was paid for getting wrong and was. But currently, money bring of the obstacle made of money get the done on the obstacle. Corruption is everywhere. Monthly is the pay rate for work done and the obstacle. Main principal considered as food police. In the modern society, how is it understood that the people cheating the simple or name is simple? Money is the top college and the new top college and the thank you and have a nice day. Thank you very much, sir. Muskan, I have a question for you. You stay here. The way she was delivering her speech has a great potentiality to be a great leader in coming time. She was using the space of the stage and delivering her speech. I have a question for you, Muskan, if you don't mind. Suppose if you will be the chief minister of Jharkhand, right, in your own state, what will be your state to remove the corruption from the society? I'm just checking your point of view. You told so many things about the corruption. Agar aap, should I repeat in Hindi? You understand this, na? If you will be the chief minister of Jharkhand, what will be your step to remove the corruption from society? He is asking me to speak in Hindi. Agar aap Jharkhand ke Mukhya Mantri banengi, Mukhya Mantri aapko bana diya jaye, to corruption ko khatm karne ke liye kya karengi? Ek line. I'm just checking the skill of this girl. Thank you very much. बहुत अच्छा बोला इन्होंने शालिनी जी. बताइए क्या करेंगे आप? क्या कर सकती हैं? बताइए. बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. बहुत अच्छा काम करेंगे. She will do absolutely nice work to remove the corruption from our society. और क्या करेंगे? Corruption is bad. Don't be nervous. This is not your examination. I'm just asking the skill. बहुत अच्छा बोल रही हैं आप. ये अच्छा काम. Thank you very much, Muskan. Thank you very much. Your speech is quite impressive. बिल्कुल. Muskan ने पूरे attitude के साथ मंच पे आके जो बोला बहुत बड़ी बात है. ये हमारी जो बच्चियां हैं, ये जो हमारी बच्चियां हैं, यही आगे जाके नाम रोशन करती हैं. और कमी की जहां तक हम बात करते हैं तो फिर
हिंदी तो हम समझेंगे कैसे, लेकिन हाँ अच्छी चीजों की कमी अगर हो तो बहुत अच्छी बात होती है। बिल्कुल, और जिस तरह से जिस एटीट्यूड बोल रही थी मुझे ऐसा लगा जैसे कुशल वक्ता बोल रहा है, बोल रहे थे। बिल्कुल, अब उसके बाद हम फिर एक बार मंच पर बुलाते हैं परी ग्रुप को जो कहेंगी हवा हवाई डांस। क्योंकि आपने अभी चाय कॉफी की बात कर दी ना, तो देखिए ये बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है और पिछड़ा सावन बसंत बहार जो मौसम होते हैं अभी देखिए थोड़ी थोड़ी लोग चाहते हैं कि हम हवा लेना भी चाह रहे हैं, मौसम का रुख बदलने लगा है तो हवा हवाई डांस लेके आ रही है परी ग्रुप। और जब बच्चे स्टेज पर आए तो जोरदार तालियों से स्वागत करें। देखिए हवा हवाई आपके सामने मंच पे। ये हवा के साथ तो बवंडर क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो बवंडर भी है। चलिए एंजॉय कीजिए इस कार्यक्रम का। हवा हवाई तो बनी थी लेकिन पूरा हवा हवाई की तरह तुमने बहुत अच्छा, वैसे मेरे तीनों बच्चे बहुत अच्छा डांस किए लेकिन तुमने बिल्कुल हवा हवाई की तरह डांस किया। कैसा लगा आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, कैसा लग रहा है बताइए तीन लोगों के लिए। वेरी गुड मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। एनके तिवारी सर ने बिल्कुल सही कहा था कि रिस्पांस जरूर देंगे, आंसर शुड बी राइट और रॉन्ग लेकिन रिस्पांस जरूर देंगे। बहुत अच्छी प्रस्तुति हवा हवाई की हमने खो दिया है। हालांकि जो इनकी मूल एक्ट्रेस थी जिनके ऊपर इस गाने को खूबसूरत गाने को फिल्माया गया था स्वर्गीय श्रीदेवी जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी इस तरह के गाने हमारे बीच आएंगे, जब भी हमारे बच्चे इस तरह के गानों पर प्रस्तुति देंगे तो हम निश्चित तौर पर ऐसे नृत्यांगनाओं को याद करेंगे। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति थी शाली जी। अगला नंबर है और बिल्कुल कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है, गर्म जोशी के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। एक से एक कार्यक्रम यहाँ पे है। अब इसके बाद छम्मा छम्मा डांस को देखे हमारे बच्चे आ रहे हैं। आजकल काफी धूम है इस गाने की। छम्मा छम्मा
बहुत प्यारी बच्ची है प्रांजना, और ये लेकर आ रही है छम्मा छम्मा। तो छम्मा छम्मा करने के लिए आप लोग भी तैयार हो जाए, जिसे जगह जहाँ जगह चले वो फिरक सकता है आराम से। बच्चे आप लोग नीचे भी फिरक सकते हैं, ये सब आप लोग का कार्यक्रम है। सालिनी मैडम यहाँ से फिरकी बच्चों के साथ हम बच्चे नहीं बनेंगे, फिर जीने का मजा क्या है। बच्चे के साथ बच्चे बनिए, पूरा इंजॉय। चलिए गाना स्टार्ट करें। की जाए तो हम प्रांजना, आप कितने साल की हो? 7 years। 7 साल की प्रांजना है और इतना मुश्किल स्टेप है इस गाने का, छम्मा छम्मा गाने का, क्या खूबसूरती से निभाया है। एक बार और जोरदार तालियां। एक पल तो मुझे ऐसा लगा शालिनी जी कि मैं भी अपनी उम्र भूल जाऊं और स्टेज पर डांस करने लग जाऊं, भूल जाऊं कि मैं 28 साल का हो गया, रोक नहीं पा रहा था अपने आप को। आप 28 साल के हमें तो आप आगे 10 साल के लगते हैं, आप ये बता दीजिए हमें। 10 साल का? अरे वाह, 10 साल का लगता है। आपकी एनर्जी ऐसी होती है, आप कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं? वो नहीं बताऊंगा कौन सी कंपनी का च्यवनप्राश खाता हूँ, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। वेल डन बेटे, वेल डन, परफॉर्म करना। थैंक यू। और यहाँ बैठे जितने लोग हैं, जितने हमारे अतिथि गण हैं, कहीं ना कहीं अपने बचपन में मरक गए होंगे। वो बचपन के दिन, वो अमिया की छियां, वो स्कूल के कार्यक्रम हमारे, हम यूं ही बचपन को याद करते हैं। हमें हमारा बचपन कितना अनोखा होता है, इतना सच्चा होता है। सही अगर लाइफ की शुरुआत हमारी होती है उस समय, बचपन की यादों में अगर हम खो जाए तो हम सच्चे हो जाते हैं, वरना जिंदगी की आपाधापी हमें इतनी दूर तक लेके जाती है कि आज के मतलब ये भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं मिलता। चलिए छम्मा छम्मा आकर्षक नृत्य के बाद हम आपको फिर से देश प्रेम की धारा की ओर लिए चलते हैं, और मौका भी है, दस्तूर भी है।
कुंदन सर मौजूद हैं सामने खाकी वर्दी में, अभी अभी भगवान सर हमसे विदा हुए हैं और सर काफी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम में, ये हम लोग देख रहे हैं सच में। आपके लिए एक छोटी सी ट्रिब्यूट, ये देश है वीर जवानों का सॉन्ग पर रोहित एंड ग्रुप को हम आमंत्रित करेंगे मंच पर, वो देश प्रेम की भावना को अपने नृत्य के माध्यम से, अपने डांस के माध्यम से एक बार फिर से पुनर्जीवित करें। क्या बात है, बिल्कुल एक ऐसी अंदाज ये बच्चे ग्रुप के साथ मार मचाने के लिए तैयार, आप भी दिल थाम कर तैयार हो जाइए इनकी खूबसूरत परफॉर्मेंस का आनंद उठाने के लिए। कैन वी हैव दैट प्लीज, गाना दिया जवानों आपने, बहुत बहुत अच्छे।
कमर बोलते हैं बच्चे हमारे डांस करते हैं तो कमर को, उसके बाद आपने कहा मंच को, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी मेहनत है, ये रंग ला रही है, खुशी का माहौल है। और सही में हमारे देश की धरती जो है, यहाँ गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है। यहाँ ऋषि मुनि रहते हैं, कल कल करती नदियाँ और झरने, ये पावन वो धरती है कि वीर सपूत हमारे भारतवर्ष के जमदाग से पहुंचे हमारे शरद पर तैनात लड़ने को तैयार हो जाए हमारे देश की सुरक्षा के लिए, ये गाना उनके लिए हमारे देश के जवानों के लिए था। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपका, बहुत अच्छे से मंच को साझा किया। इसीलिए तो कहते हैं ईस्ट और वेस्ट इंडिया, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और अमित, अगर हम आगे बढ़े तो जैसा कि कार्यक्रम में ये बताया गया है कि एक स्पीच यहाँ हुआ। बिल्कुल, एक बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चे इस तरह के संवेदनशील जो मुद्दे हैं, सेंसिटिव टॉपिक हैं, उस पर भी बोलते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। दहेज प्रथा तो शायद हमारे भारतीय सभ्यता का सबसे बड़ा अभिशाप है। दहेज प्रथा के ऊपर एक छोटी सी स्पीच देने के लिए आई एम गोइंग टू इनवाइट मिस रुक्षा। भ्रूण हत्या की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी बच्चियां वहां से बच के आती हैं, तो ये जो भ्रूण अपराध होता है दहेज प्रथा का, हम चाहे आगे कितने भी बढ़ जाएं, लेकिन मानसिकता हमारी बन के कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि दहेज के बिना हम अपनी बहू का घर में आगमन हमारा जैसे दुश्वार की तरह देखते हैं। हमारी बेटी यहाँ पे मंच पे आ गई है कुछ बोलने, उसके बाद हम बेटियों को कुछ कुछ बातें जरूर बोलेंगे। आदरणीय अतिथिगण, प्रधानाचार्य और मैं प्यारे, आप सभी को सुबह का नमस्ते। मैं रुक्षा खातून क्लास 6 की छात्रा हूँ। आप सभी के सामने दहेज प्रथा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो छोटी बच्ची समझ कर माफ कर दे। दहेज प्रथा सदियों से चलती है, एक विधि है जो कि बदलते वक्त साथ और भी गहरा होने लगा है। ये प्रथा केवल अमीर तक सीमित नहीं है, बल्कि अब मध्य वर्गीय गरीबों का भी सरदर्द बन बैठा है। सोचने की बात है कि देश में बढ़ती तरक्की इस प्रथा को निकालने में कहां छूट जाती है। उस शिक्षा और कार्य कर्मों के बावजूद भी दहेज प्रथा का नंगा नाच आज भी पूरे देश में कर रही है। ये प्रथा सच में हमारे भारतीयों के लिए एक गंभीर चर्चा बन गई है, जो कि हमारे बहु बेटियों पर एक बड़ी मुसीबत बन गई है। दहेज प्रथा का परिणाम बहुत ही भयंकर है। ये प्रथा आज भी बड़े ही तेजी से निभाया जाता है। दहेज प्रथा के दुष्परिणाम से हम सब वाकिफ है, लेकिन इस कला को हम भी बढ़ावा देते हैं। दहेज प्रथा के बुरे असर होते हैं। लड़का दहेज प्रथा के कारण लड़कियों पर अत्याचार किया जाता है। शादी के वक्त जैसे ही दिन गुजरने लगते हैं, इसकी मांगे बढ़ने लग जाती है। अगर लड़की दहेज लेने के खिलाफ बोलती है तो उस पर मानसिक शारीरिक अत्याचार किया जाता है, घरेलू हिंसा हवा किया जाता है ताकि वह मायके से दहेज की बात कर सके। दहेज प्रथा के कारण लड़का और लड़की में आतंक भी माना जाता है। कई बार लड़कियों को मोह और प्यार नहीं मिलता जितना कि लड़कों को दिया जाता है। माँ बाप को लड़की के आने वाले समय में खर्चे का साधन लगता है, इसीलिए कन्या संतान को कई बार अपने हाथ पर छोड़ दिया जाता है। इसी तरह लड़का और लड़की में आतंक बनता है। दहेज प्रथा के कारण लड़कियों के साथ अन्याय किया जाता है। कई बार दहेज दुल्हन के परिवार पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। दहेज के खर्चे पूरा संघ कर जाती है, जो कि लड़कियों का शादी का माहौल खुशियों भरा नहीं रहता, अपमान और संसार का माहौल बन के रह जाता है। ये प्रथा सच में बहुत ही गंभीर चर्चा बन गई है। इसीलिए कई बार समाज में लड़कियों को एक बोझ माना जाता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बहुत अच्छी आपने बात कही। समाज में लड़कियों को बोझ माना जाता है, लेकिन दिशा और दशा बदल गई है।
और इसके लिए जिस घर में बेटा बेटी का सम्मान वह घर होता स्वर्ग समान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बस कहने से नहीं होगा, समाज को प्रगति के रास्ते पर लाओ। ये जागरूकता हम तो फैलाते हैं लेकिन अपने मन को जागरूक करें। बेटी भ्रूण हत्या करना पाप है, दहेज लेना एक बहुत बड़ा अभिशाप है और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बच्चे इस मायने को समझने लगे हैं। न सिर्फ समझने लगे हैं बल्कि अपने शब्दों के माध्यम से हमें कहीं न कहीं जागरूक करने का भी प्रयास कर रहे हैं। सार ने जितनी भी बातें कही वो अक्षर से सत्य है शाली जी, ऐसा ही कुछ हमारे समाज में होता रहा है। लेकिन आपने कहा आप दिशा और दशा बदल रही है तो हम आने वाले नए भारत से ये उम्मीद करेंगे कि बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार और सम्मान दिया जाएगा और वो दिन दूर नहीं है जब बेटियां पहले पायदान पर खड़ी होंगी। चलिए इस मार्मिक स्पीच के बाद भाषण के बाद हम आपको एक अलग दुनिया में लिए चलते हैं। अभी तक आपने गाना सुना, आपने डांस देखा, आपने स्पीच भी सुना, अब बारी है कव्वाली। बिल्कुल, हम बड़े उम्मीद से जाते हैं उनके दरबार में कि हमारी झोली भरे। हम बड़े उम्मीद से जाते हैं उनके दरगाह में कि हमारी झोली भरे। देखिए हम ईश्वर की बात करें, अल्लाह की बात करें, खुदा की बात करें या हम जीसस की बात करें, सब एक है। हमारा मानना है कि हमारी आत्मा में अगर शुद्धता होती है, पवित्रता होती है तो हम किसी के भी दरबार में जाते हैं हमारी कामना जरूर पूरी होती है, जरूर पूरी होती है। चलिए तो हम आमंत्रित करेंगे पुरुषोत्तम एंड बेहतरीन कव्वाली के लिए जिसके बोल हैं सोचती थी वो कितने मासूम थे। काफी शायराना शब्द लग रहा है शाली जी, ऐसे क्या हो गए। अरे वाह क्या बात है, बिल्कुल प्रॉपर कव्वाली का जो मेकअप होता है, जो ड्रेस होता है उसमें बच्चे आए हैं बहुत खूब। और इन्हें वेट करने के लिए विद्यालय के निदेशक श्री मंत्री आ गए, इनकी उपस्थिति में बच्चों का मनोबल जो है वो और दुगना चौगुना बढ़ जाएगा। और ये सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि काफी तैयारी में लगे हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा हो। सुबह से हम लोग जब से आए तब से परेशान है, एक एक चीज को अपनी नजरों से देखना और उसका सराहना करना और हमारे बच्चे खड़े उतरे जो हमारे अतिथिगण आए हैं उनकी नजर में सम्मान हो, इसके लिए ये बखूबी मेहनत भी किए हैं इसे स्कूल के लिए। हमारे बच्चे जो मेहनत में देखिए अमित, हम कहते हैं ना कि वेशभूषा हमारी बनाई गई है, परंपरा जो हमारी बनाई गई है उसमें वो खूबसूरती झलकती है। चलिए बच्चे पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं, परफेक्ट कव्वाल की तरह दिख रहे हैं बच्चे। पुरुषोत्तम जो पुरुषों में उत्तम हो Yeah.
क्या से क्या हो गए देखते देखते ऐसा ही कुछ हुईगा जिससे आपके अभिभावकों और आपके शिक्षकों को आप पर फक्र हो। कवाल बहुत थक गए हैं, गर्मी आ गई है शरीर में, कवाली गाते गाते देखिए अपने जो ऊपर का जो जैकेट था वो उतार रहे हैं, लेकिन एक और कवाली पेशे नजर है आप सबों के। और इस बार जो गाना है वो मेरा बहुत पसंदीदा है क्योंकि मैं बहुत सुनता हूँ उस गाने को, बोली मेरी या मोहम्मद। Yeah.